Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7, chapter 2, exercise 2.4. We have already discussed 3 exercises of this chapter. You can watch that video on my channel's playlist for class 7. So, let's start exercise 2.4. In today's exercise, we are going to discuss about division. Division of whole number with fraction and fraction with fraction. So, let's start. तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, होल नंबर को फ्रैक्शन नंबर से और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से. सो देखिए स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4, सेकंड में 14 डिवाइडेड बाय 5 बाय 6 एंड सो ऑन. सो देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से करते हैं इन क्वेश्चंस को. सो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? 12 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो 1 पार्ट कितना बनेगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे 12 के, तो 1 पार्ट कितने का बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 12 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 वन जार 2, 2 6 जार 12, सो 6, यानी 12 के 2 इक्वल पार्ट कितने कितने के बनेंगे स्टूडेंट्स, 6 6 के 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे. ऐसे ही स्टूडेंट्स 12 डिवाइडेड बाय 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाय 1. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो दिस इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2. कैसे स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2 इक्वल टू 12 को कैसे लिखेंगे, 12 बाय 2, 12 वन जा 12, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, 1 टू जा 2. सो 12 बाय 2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2. ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2 को, 12 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2. सो दिस इक्वल टू 12 को कैसे लिखेंगे, 12 बाय 1, सो 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, सो 6 वन जा 6. ओके स्टूडेंट्स, आपको यही रूल्स पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, 12 डिवाइडेड बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं, 12 बाय 2 या फिर 12 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2. तो देखिए स्टूडेंट्स, 12 डिवाइडेड बाय 2 को हमने कैसे लिखा, 12 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2, यानी जब यहाँ पे डिवाइड का साइन था और यहाँ पे 2, तो हमने क्या किया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 2 बाय 1 को हमने क्या किया, 1 बाय 2, यानी 2 का हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये कोई नंबर है हमारा x, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 बन जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x. क्यों, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हमारा आंसर बन जाएगा. सो x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 बाय x, और 1 बाय x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, x. ऐसे ही हमें 2 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स, 1 बाय 2 से. कैसे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हमारा आंसर आ जाएगा. ऐसे ही स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 बाय 1. सो 2 बाय 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 बाय 2, और 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 2. सो स्टूडेंट्स देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, हम अपोजिट कर देते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रेसिप्रोकल होता है. ऐसे ही 4 बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे, 4 बाय 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिले, किस नंबर से करेंगे स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. सो 3 हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और 4 हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर. सो 4 बाय 3 का न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 बाय 4. ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइड से क्या हो जाता है, साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो नंबर होता है उसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल. आई होप आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. और एक और देखते हैं हम, जैसे 1 को डिवाइड करना है 1 बाय 2, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 को 1 बाय 2 के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मान लीजिए ये आपके पास 1 ऑब्जेक्ट है, इसके हाफ हाफ यानी इसका हाफ कर दें तो आपको कितने पार्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स, कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे. तो यही इसका मीनिंग होता है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 1 बाय 2 को कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल, 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 हमारा न्यूमरेटर में और 1 हमारा डिनोमिनेटर में, यानी 2 बाय 1, 2 वन जा
टू, सो टू यानी वन को डिवाइड करेंगे हाफ ऑफ पार्ट्स में तो कितने पार्ट बनेंगे हमारे, टू पार्ट बनेंगे, एक ये पार्ट हमारा और ये एक ये पार्ट हमारा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे 12 के 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमारे पास एक एक पार्ट में, ये मान लीजिए 12 है, 12 के 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे हमारे, एक पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स, 6 और दूसरे में भी 6। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 डिवाइडेड बाय 3/4। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो हम डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और 3/4 का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी 12 मल्टीप्लाई विथ 3/4 को कैसे लिखेंगे, 4/3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12/1। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3, 3 4 12, 4 4 16 इज आर आंसर। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बाद में भी कट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके 6 पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, 5/3 and 4/7। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन है, मिक्सड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। सो 5/3 and 4/7 इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे कन्वर्ट होगा, 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई विथ 3 और ऐड करेंगे न्यूमरेटर को +4 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। सो 7 3 21 21 + 4 25, सो 25/7 यानी 5 को डिवाइड करना हमें 25/7 से। सो दिस इक्वल टू 5 multiply with reciprocal of 25/7। 25/7 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, 5 multiply with 7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 25 हमारा डिनोमिनेटर में। अब कैसे करेंगे, डिवाइड में 1 करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पे कट नहीं हो रहे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 5 7 यहाँ पे देखते हैं कट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 1 5 5 5 25, सो 7 1 7 और 1 5 5, सो 7/5 इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमें इनके रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, फिर रेसिप्रोकल निकाल के हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उनको क्लासिफाई करना है। कैसे, कि हमारा जो आंसर बना है यानी जो रेसिप्रोकल आया वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स और जो है हमारा होल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हैं। हम फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स, p/q की फॉर्म में होते हैं। जो p हमारा होता है न्यूमरेटर और जो q नीचे वाला नंबर होता है ये डिवाइड का साइन है और ये हमारा आता है डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होता है स्मॉल और डिनोमिनेटर होता है बिगर, यानी पी इज लेस देन क्यू, यानी न्यूमरेटर हमारा लेस होता है डिनोमिनेटर से। कैसे, जैसे 1/2, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 5/9, ये भी हमारा कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें p इज ग्रेटर देन q, यानी जो हमारा न्यूमरेटर बिगर होता है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। कैसे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 1/2 था, इसको कैसे लिख दें, 2/1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, 10/6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप के फ्रैक्शन कैसे होते हैं हमारे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और होल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस टाइप से -1 -2, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर्स।
सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, यानी 3/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर यहाँ पे 7/3 लिखें तो 3 से 3 कैंसिल आउट और 7 से 7 कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। सो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 7/3, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, वही हमारा रेसिप्रोकल बनेगा। और देखिए स्टूडेंट्स, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 3, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इस टाइप से ये भी बताना है स्टूडेंट्स कि ये फ्रैक्शन किस टाइप का बनेगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 7/3 / 2। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 7/3 को डिवाइड करना है 2 से, यानी हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स 7/3 को डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2/1। ओके स्टूडेंट्स, यानी 7/3 डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 2/1। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसका अपोजिट करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई विद 2/1 को क्या लिखेंगे, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहे, सो 7/1 = 7, 3/2 = 6, सो 7/6 इज आर आंसर, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले हमें दे रखे हैं मिक्स फ्रैक्शन में और उसको डिवाइड करना है 4 से, यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखते हैं, 4 and 3/7 / 7, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 7 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 3 से। ओके स्टूडेंट्स, यानी 7 की और 4 की मल्टीप्लाई ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 7। सो 7 4 = 28, 28 + 3 = 31, 31/7 डिवाइडेड बाय 7। 7 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 7/1। तो डिवाइड को हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और 7/1 का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 31/7 मल्टीप्लाई विद 7/1 को क्या लिखेंगे, 1/7। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये कहीं पे भी किसी भी टेबल पे कॉमन कट नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। सो 31 1 = 31, 7 7 = 49, सो 31/49 इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड 2/5 / 1/2। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम, सेम वही तरीका रहेगा, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो बाद में जो नंबर है डिवाइडेड बाय 1/2, वहाँ पे डिवाइड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और जो नंबर है उसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। सो देखिए स्टूडेंट्स, 2/5 / 1/2 दिस इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2/5 मल्टीप्लाई विद 1/2 को क्या लिखेंगे, 2/1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 2 = 4, 5 1 = 5, सो 4/5 इज आर आंसर। इसके एट पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले दोनों फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, 5 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, और न्यूमरेटर को करेंगे ऐड, 10 + 1 = 11, सो 11/5। ओके स्टूडेंट्स, 2 multiplied with 5 + 1 / 5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर 11/5। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 5 1 = 5, 5 + 1 = 6, सो 6/5। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 5 की और 1 की मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को करेंगे ऐड, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या नंबर बन गया हमारा, 2 5 = 10, 10 + 1 = 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6/5। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, 11/5 / 6/5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
सिक्स बाय फाइव का हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल, और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन से. सो इलेवन बाय फाइव मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ सिक्स बाय फाइव. सो इलेवन बाय फाइव, सिक्स बाय फाइव का रेसिप्रोकल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, फाइव बाय सिक्स. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे. सो इलेवन बाय फाइव मल्टीप्लाई विद फाइव बाय सिक्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेवन फाइव ज़ा यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, इलेवन फाइव ज़ा फिफ्टी फाइव और फाइव सिक्स ज़ा थर्टी. आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे कट भी हो रहे हैं स्टूडेंट्स. फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो रहा है. सो आंसर क्या आ गया हमारा, इलेवन बाय सिक्स वन ज़ा सिक्स. सो दिस इज आवर आंसर. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, डिवीज़न के लिए चाहे हमें होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो या फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, हमें क्या करना है, जो सेकंड नंबर है हमें क्या करना है, डिवाइड के साइन को इंटरचेंज करना है, चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और जो लास्ट जो नंबर है हमारा उसका हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल. ओके स्टूडेंट्स, इसी बात को आपको ध्यान करना है. बाकी ये मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है. इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.